Hi everyone, welcome to JMW, JE Maths Lab, JE Advanced Experience. In this video, you will gain 5 super most sample pattern problems for your forthcoming JE Advanced Exams. This type of question generally asked in JE Advanced Exams. इसी type का questions को आपको अच्छे ढंग से practice करते रहना चाहिए. Practice till you perfect and perfect practice makes you perfect. Now the value of this minus 1 से 1 dx by this जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा आप क्या करोगे ठीक है तो ये जो रूट है इसका रेशनलाइज करोगे रेशनलाइज कर दिया ठीक है इसको एक्सपांड करोगे तो नीचे क्या बचेगा 2x क्यूब एंड 1 प्लस दिस इसको अलग अलग कर लो सो लाइक दिस ये जो फंक्शंस है देखो ये फंक्शंस तो ऑड फंक्शंस है तो इसका वैल्यू 0 है तो इसका इंटीग्रेशन सो दैट इज दिस सो दैट फिट्स दिस वन इज द राइट चॉइस Now the value of this, ठीक है जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा आप क्या करोगे इसको रेशनलाइज कर दो रेशनलाइज करके देखो इसको अलग अलग कर दिया एंड सो दिस इज एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स बाई साइन एक्स सो दैट इज एक्स स्क्वायर ये जो फंक्शन है देखो ये फंक्शन ऑड फंक्शन है ऑड फंक्शन ठीक है ये क्लियर सो दिस इज ये तो इवन है लेकिन ए ऑड है इवन बाई ऑड सो दैट इज ऑड तो इसका वैल्यू जीरो है अभी x square का इंटीग्रेशन क्या होगा x cube by 3 ये तो इवन फंक्शन है तो 2 into half into 2 into all so this is half into 2 हो गया so that is 0 से pi so this is pi cube by 3 this is the right choice है ये तो सिंपल है ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए Now the value of this जो इंटीग्रेशन है जब भी इस टाइप का इंटीग्रेशन होगा देखो यहाँ पे लिमिट के बारे में देखो हाफ एंड टू है तो इसीलिए ऐसा करके पुट करोगे रेसिप्रोकल को कल पुट करते हैं इसको सिंप्लीफाई किया टेन इनवर्स वन बाई टी मीन्स कॉट इनवर्स टी एंड सो दिस इज डी टी डी एक्स इक्वल टू इज वेल सो वन बाई टी स्क्वायर डी टी है ठीक है एक बाहर माइनस भी आ जाएगा एंड इसको एलसीएम लिया टी स्क्वायर टी स्क्वायर कैंसिल सो दिस अभी फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल को अप्लाई किया सो दिस ए दोनों को ऐड कर दो ए 1 एंड 2 को ऐड कर दो सो तुम्हें ये मिलेगा tan इनवर्स x + cot इनवर्स x तो पाई बाई 2 है अभी इसको क्या लिखोगे सो दिस x - हाफ का होल स्क्वायर दिस इसका तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ठीक है लिमिट पुट कर दिया सो दैट इज वेल ठीक है 1 / a tan इनवर्स x / a इसे अप्लाई किया अभी लिमिट को पुट कर दिया देखो 4 - 1 3/√3 √3 और x जब हाफ है तो ये 0 हो गया सो दैट इज वेल पाई बाई 3 सो दैट इज पाई स्क्वायर बाय 3√3 Now 0 से 1 4th root of this minus 7th root of this dx ठीक है इसका वैल्यू क्या होगा देखो ये जो फंक्शन है मैंने इसको fx कंसीडर किया तो ये क्या है ठीक है इसको मैंने y कंसीडर कर लिया तो हमें क्या मिला देखो x equal to this so that means क्या f inverse x equal to this जब a fx है तो ये क्या होगा f inverse x If a is a function from x to y, if you can make another function g from y to x, that time you will say that g is the inverse of a. So that is g of y equal to x. ठीक है? Clear? So this is what you write. Now so this is g y dy. ठीक है? G y dy. अभी g y क्या है? So this is एक बार देखो. G y is equal to यहीं पे g of y that is x. ये जो dy है इसको लिखो dy dx into dx dy dx f dx into dx ठीक है क्लियर अभी जब लिमिट पुट करो देखो x का जगह पे 0 रखो तो 1 मिलेगा x का जगह पे 1 रखो तो 0 मिलेगा ठीक है अभी इसको इंटरचेंज कर दो a प्लस हो जाएगा सो दिस इज इक्वल टू इवन राइट लाइक दिस ठीक है क्लियर अभी क्या देखो इसको डिफरेंशिएट करो तुम्हें ये मिल जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x fx 0 से 1 सो दैट इज f ऑफ 1 माइनस 0 है ये हमारा fx है तो f ऑफ 1 का वैल्यू क्या है सो दैट वन शुड बी 0 है ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसे समझने का कोशिश करना दिस इज द राइट चॉइस नाउ 0 से 1 फिफ्थ रूट ऑफ दिस माइनस 10th रूट ऑफ दिस ठीक है इसका मतलब क्या है सो दिस इज इसको मैंने fx कंसीडर कर लिया तो ये क्या होगा ना सो दैट इज
इनवर्स ऑफ एफ एक्स है। ठीक है, देखो वाई इक्वल टू एफ एक्स, वाई फाइव इक्वल टू दिस, तो एक्स का वैल्यू दिस, तो एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू दिस है। इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, इफ यू कैन मेक अनदर फंक्शन जी फ्रॉम वाई टू एक्स, सो दैट टाइम यू विल से दैट जी इज द इनवर्स ऑफ एफ, जी इक्वल टू एफ इनवर्स। सो जी ऑफ वाई, देखो जी ऑफ वाई का वैल्यू क्या है, एक्स है। ठीक है, अभी जी ऑफ वाई, ठीक है, सो जी ऑफ वाई इज एक्स है। जब y एफ एक्स है तो dy वाई क्या होगा, एफ डैश एक्स डी एक्स है। ठीक है, सो यू कैन राइट, देखो लिमिट को चेंज कर दो तो ये प्लस हो जाएगा। यू कैन राइट लाइक दिस, यू कैन राइट दिस वन एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करोगे क्या मिलेगा, x एफ एक्स जीरो से वन है, सो दैट इज एफ ऑफ वन माइनस जीरो है एफ ऑफ वन। हमारा क्या है, एफ एक्स तो दिस है, तो एफ ऑफ वन का वैल्यू क्या होगा, सो दैट वन शुड बी जीरो है। दिस इज द राइट चॉइस। Hello friends, you have already got a 5 fantastic problem from definite integral. If you like this video, please share this video to all of your Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram and Twitter friends, as well as all social medias around the world. Don't forget to subscribe my channel JMW. Thank you very much for watching me and listening my word, and all the very best for your forthcoming JEE Advanced exam.